नमस्कार दोस्तों, मैं देव रसूलपुर यूट्यूब चैनल फ्री टीवी देव। कुछ भारतीय लोगों को खासतौर पर टिकटॉकरों को टिकटॉक बैन होने के बाद पता चला है कि हमारा चाइना के साथ कोई लफड़ा चल रहा है, और कुछ टिकटॉकरों को तो अब तक ये नहीं पता कि टिकटॉक बैन क्यों हुआ है। ओ, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मैंने एक फोटो देखा था जिसमें लिखा था कि टिकटॉक बंद हो रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो टिकटॉक बैन होने पर जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो टिकटॉक बैन होने पर अफसोस मना रहे हैं। मोदी जी और हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू। अरे बाप ने भी तुझे पैदा करके गलती की। एक तरफ ये लोग हैं जिन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई शहीद हो चाहे कोई दूसरा देश हमारे देश की जमीन पर कब्जा करने की सोच रहा हो। दूसरी तरफ ये वीर जवान अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना सामान का बहिष्कार करो। बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका। तुम इसकी शायरी सुनो एक बार। मौसम सुहाना हुआ, रेन हो गया, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हल्का हंस। वो लोग हैं जो टिकटॉक बैन होने पर आंसू तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सैनिकों के शहीद होने पर एक भी शब्द नहीं निकालते यार इन टिकटॉकरों ने। तो इसकी हालत चौपट कर दी है। टिकटॉक बंद हो रहा है, दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो। तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें, तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मान लो तू किसी दुकानदार से तेल लेकर आई या फिर कुछ भी लेकर आई, और तुमने उसमें से आधा यूज कर लिया, और आधा यूज करने के बाद तेरी उस दुकानदार से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो फिर उस दुकानदार को वो सामान वापस करने जाएगी या फिर आगे से सामान खरीदना बंद कर देगी। ठीक इसी तरह जो भारतीय लोगों द्वारा चाइना सामान खरीदा गया उसका सारा पैसा तो चाइना पहुंच गया है, तो फिर अब वो सामान तोड़ने या घर से फेंकने का क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब आगे से हम चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे और चीन को आगे से भारत से कोई भी पैसा कमाने का मौका नहीं देंगे। Let's go.